अभिनंदन करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाए अभिनंदन कीजिए। हमारे नेता जी के काम को आगे बढ़ाने का जिन्होंने संकल्प लिया था, श्रीमती यशोधा राजे सिंधिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह जी और जफर भाई, तुम्हारा भी जवाब नहीं यार भाई जफर इस्लाम जी, और यहाँ इकट्ठा जोश और उत्साह से भरे हुए मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजित होने के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, नरेंद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और यह काम प्रारंभ हुआ 1951 में जनसंघ की स्थापना के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, कुशाभा ठाकरे जी, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, मालिकाएं हमारे तपस्वी नेताओं की जिन्हें पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी भारत माता के चरणों की सेवा में, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस की सरकार ने आई, कितने वादे किए, कितने वचन दिए, ऐसा लगता था कि मध्य प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा, किसानों का सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। बताओ कर्जा माफ हुआ क्या? सिंधिया जी भी यही कह रहे हैं कि नहीं किया, किया जा कर्जा माफ। अच्छा, बनना किसी और पे था, बन कोई और गया। हम तो आप सुनने भी कहते थे आमना सामना तो आपसे ही था, हो गया कहीं निकले क्या वो? कई बार हमने कहा ओले गिर गए निकल जाओ, पाला पड़ जाए निकल जाओ, मैं नहीं निकलूंगा, मैं क्या करूंगा। मैंने कहा रे तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, कभी तो निकल के जाओ डबका दे, लेकिन जनता की सेवा से लेना देना नहीं। हर फसल का बोनस देंगे, बता कार्यकर्ता बहनों भाइयों बोनस मिला दे, मेरे नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या, नौकरी रोजगार दिया क्या, कन्यादान की राशि 51,000 कर दी थी मिली क्या, बेटियों के साथ फेरे पड़ गए, 15 महीना हो गया, एक बेटी तो आई कि मामा मेरे यहाँ तो बेटी भी दूसरी आ गई है, आज तक कन्यादान का पैसा नहीं दिया, लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा नहीं दे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं, हाफ नहीं किया। अरे और तो गरीबों को एक्सीडेंट में मौत होते 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, मिले क्या किसी को? अंतिम संस्कार के लिए कफन के इंतजाम के लिए 5,000 देते थे, कम
तो गरीबों का कफन भी खा गए, गरीबों का कफन भी। जब भी कोई बात करो कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर दिया। अरे इनका औरंगजेब का खजाना था, लूट के मामा दे दिया। काय को मामे किए, काय को वचन दिए, अब किसानों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आयुषा के लिए पैसा है। हीरो आओ, हीरोइन आओ, फूल बरसाओ। आयुषा के लिए पैसा है तुम्हारे पास, तमाशा करने के लिए पैसा है तुम्हारे पास, किसान गरीब और जनता के लिए पैसा नहीं है। पीने का पानी दे नहीं पाए तमन्ना, एक एक करके दारू की दुकान दुकान में गए, धूप दुकान खोलूंगा, गाँव गाँव में दारू की नदियां बहाऊंगा, और उससे कहने के बाद तुम महिलाओं के लिए अलग आउटलेट खुलेंगे। देखने भी
जाके महाराज का ही तैयार कर दो, देख लेंगे हम भी कह रहे हैं, एक एक बात का हिसाब लेंगे। आओ मेरे घर के दो बहनों और भाइयों, संघर्ष का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है, ये धर्म युक्त है, इसको लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और अरे मामा भी साथ है, चिंता मत करो, मिलकर चलेंगे मामा भाइयों, चलोगे सब, सत्याचार और अन्याय इस सरकार को समाप्त करेंगे। संकल्प जिएंगे तो तुम्हारे लिए, कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी तुम्हारे लिए।